भाई 2021 का कॉपी कैट अवार्ड मेरी तरफ से बॉलीवुड के बाद जोबन नथियाल को। भाई साहब ये बंदा क्या गजब कॉपी करता है, अब तो फ्यूचर में कॉपी का वर्ड चेंज करके इसकी जगह जोबन नथियाल यूज करना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन रुको जरा, सबर करो, आजकल और भी बहुत कुछ है जिसमें ओरिजिनल के नाम पे हमें कॉपी मिलता है, जैसे यूट्यूब के बाद क्रिकेट। हम जैसा कोई क्रिकेट का दीवाना अपने लेजेंड को कॉपी करे ये तो समझ में आता है, जैसे मैं शीन बॉन्ड का बॉलिंग एक्शन अक्सर कॉपी करता हूँ, या फिर कभी कभार सचिन की तरह स्ट्रेट ड्राइव की कोशिश भी। वैसे ऐसी कोशिशें तो आप भी करते होंगे, है ना? तो कमेंट में बताएं कि आप किस खिलाड़ी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों क्रिकेट में कई ऐसे इंसिडेंट भी गुजरे हैं जब किसी खिलाड़ी ने किसी दूसरे की सेलिब्रेशन, उसके स्टाइल या फिर उसके अंदाज को कॉपी किया हो। वैसे कुछ खिलाड़ियों का तो कॉपी करने का अंदाज भी जोबन नथियाल की तरह ओरिजिनल से भी परफेक्ट होता है, मगर कुछ का ये अंदाज देखकर हम वही फील करते हैं जो ढिंकज पूजा का गाना सुन के, समझ रहे हो। लेकिन मेरा भी एक चैलेंज है सब क्रिकेट फैंस को, है किसी में हिम्मत युशांत शर्मा के इस स्टाइल को कॉपी करके दिखाएं? अगर हाँ तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अपनी इस अंदाज वाली पिक्चर हमारे साथ शेयर करें। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको दिखाते हैं क्रिकेट के 10 ओरिजिनल एंड कॉपी मोमेंट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाओ। नंबर 10। भाई साहब वैसे तो क्रिकेट की शुरुआत से ही बल्लेबाजों का बैटिंग स्टाइल मिलता जुलता सा था, मगर 20वीं सदी की शुरुआत में वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइन में एक ऐसे खिलाड़ी ने एंट्री मारी जिनका बैटिंग स्टाइल सबसे हटके था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रपॉल की। वो विकेट पर ऐसे ही खड़े होते थे जैसे बचपन में हम दूसरों का खेल बिगाड़ने के लिए तैयार खड़े होते थे, मगर जब बॉल आती थी तो इनसे मजबूत दीवार कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। चंद्रपॉल ने अपने कैरियर में इस अनोखे एक्शन के साथ कई सारे रिकॉर्ड भी बनाए। और फिर एंट्री हुई इस पाकिस्तानी बल्लेबाज की, जो शायद बैटिंग स्टाइल में चंद्रपॉल को कॉपी करने के चक्कर में इनसे भी आगे निकल गया था। फवाद आलम का बैटिंग स्टाइल वैसे तो चंद्रपॉल से मिलता है, मगर वो इनसे भी जरा हटके विकेट से फासले पर खड़े होते हैं। वैसे तो फवाद का बल्ला आजकल काफी चल रहा है, लेकिन इनका ध्यान अब क्रिकेट पे कम और एक्टिंग पर ज्यादा रहता है। तो आपके ख्याल में फवाद और चंद्रपॉल में किसका स्टाइल परफेक्ट है, ओरिजिनल वाला या फिर कॉपी वाला, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। नंबर 9। भाई वैसे तो विकेट पर खड़े बल्लेबाज को बॉलर की तरफ से स्लैजिंग और छेड़छाड़ का सामना तो होता ही है, लेकिन जरा इस वीडियो में देखिए, जब इंडिया के खिलाफ इस टेस्ट मैच में स्मिथ ने एक अलग ही ड्रामा क्रिएट कर दिया। वो हर बॉल को डिफेंड या लीव करते वक्त ऊंची आवाज में नो रन चलाते और साथ ही विकेट पर अजीब स्टाइल भी मारते। देखने में तो ये सब बड़ा ही वियर्ड सा लगा, और शायद ऐसे वियर्ड स्टाइल को तो कोई कॉपी नहीं करता, लेकिन स्मिथ के टीम मेट लंबी शाने को शायद इनका ये स्टाइल पसंद आ गया, तो अपनी बारी पर लंबी शाने ने भी वही वाली हरकतें शुरू कर दी। अब पता चला कि अफ्रीकी लोग बंदर की तरह डांस क्यों करते हैं। नंबर 8। दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसका अपना ही एक स्वैग था, विकेट लेकर या मैच जीतकर शाहिद अफरीदी का ये वाला सेलिब्रेशन स्टाइल सबसे हटके था। इवन शाहिद अफरीदी की एनजीओज और इनका ब्रांड लोगो भी इनके इसी सेलिब्रेशन स्टाइल से बनाया गया है। शाहिद अफरीदी की रिटायरमेंट के बाद एक और अफरीदी ने मैदान में कदम रखा और अफरीदी को अपना आइडियल मानते हुए ना सिर्फ इनकी 10 नंबर जर्सी पहनी बल्कि उसी अंदाज में सेलिब्रेट करना भी शुरू कर दिया, और साथ ही वो अफरीदी के दामाद भी बनने वाले। अब इसे कहते हैं आइडियल को फॉलो करना। वैसे आपको शाहिद अफरीदी और शाहीन अफरीदी में किसका सेलिब्रेशन स्टाइल ज्यादा परफेक्ट लगता है? नंबर 7। भाई सब वैसे तो खिलाड़ी अपनी अचीवमेंट पर खुशी का इजहार अपने ही अंदाज में करते हैं, मगर कुछ ड्रामेबाज किसी खास मौके पर ऐसी हरकत भी कर जाते हैं, जैसे इस डोमेस्टिक लीग के इस भाई साहब ने विकेट लेने पर की। भाई सेलिब्रेट करने का ऐसा अंदाज और वो भी क्रिकेट में, चलो ये तो डोमेस्टिक मैच था, मगर इसको इंटरनेशनल मैच में कॉपी किया इस जिम्बाब्वियन बॉलर ने, जिसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ विकेट लेकर ठीक वही जिद्दी बच्चे वाला अंदाज अपनाया और लेट कर उसी अंदाज में सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल में तो ये बड़ी ही डेयरिंग सेलिब्रेशन है, तो आप में से ये डेयरिंग काम कौन ट्राई कर सकता है? नंबर 6। दोस्तों अगर आप फुटबॉल देखते हैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन तो आप जरूर होंगे, और अगर आप इनके फैन हैं तो इनका गोल करने के बाद ये वाला सेलिब्रेशन स्टाइल भी आपको पसंद होगा। वैसे इनके इस स्टाइल को स्पेनिश में सीयू कहते हैं, जिसका मतलब होता है यस, मगर क्रिकेट में भी कुछ खिलाड़ियों ने इसी सीयू स्टाइल के साथ सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है, जिसमें पहला नाम तो हमारे राजू रॉकेट मतलब पोलार्ड का है। एक बार पोलार्ड और इमाद वसीम पीएसएल में एक साथ बल्लेबाजी कर रहे थे तो छक्का लगाकर मैच जीतने पर पोलार्ड ने कुछ इस अंदाज में सेलिब्रेट किया, तो इमाद भाई भला कैसे पीछे रहते, उन्होंने भी खुशी में पोलार्ड वाला स्टाइल मारा, और तब से इमाद को ये स्टाइल इतना पसंद आया कि अब हमेशा इसी स्टाइल में सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 5। दोस्तों क्रिकेट में विकेट कीपर का वही रोल होता है जो बारात में दूल्हे का,
मतलब बिना अच्छे कीपर के स्ट्रॉन्ग टीम भी बिना ड्राइवर वाली बस की तरह होती है जनाब। और बात जब सबसे शातर और मास्टरमाइंड कीपर की हो तो धोनी से बेहतर कौन हो सकता है। धोनी कई बार बल्लेबाज को कुछ इस अंदाज से चलता करते थे कि अंपायर को भी समझने के लिए थर्ड अंपायर की जरूरत पड़ती थी। जैसे धोनी का ये वाला रन आउट स्टंट तो देखे, जिसे इस अंदाज में दुनिया का कोई भी दूसरा विकेट कीपर परफॉर्म नहीं कर पाया था। मगर फिर एंट्री हुई धोनी को गुरु मानने वाले ऋषभ पंत की। वैसे तो ऋषभ को धोनी तक पहुंचने के लिए बड़ा लंबा सफर बाकी है, लेकिन कभी कभार वो भी धोनी वाली तेजी दिखा जाते हैं जनाब। जैसे धोनी के इस रन आउट स्टंट को ऋषभ पंत ने कुछ इस अंदाज में करके दिखाया, तो फिर कैसा लगा। नंबर 4, दोस्तों क्रिकेट में पंगेबाजी और छेड़छाड़ में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सबसे आगे ही रहते हैं। अभी नहीं बल्कि शुरुआत से ही वो जीत के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। जैसे 1981 का वो अंडर आर्म इंसिडेंट, जब आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 6 रन की जरूरत थी तो ग्रेग चैपल के अंडर आर्म बॉल करने के आईडिया ने इन्हें मैच तो जितवा दिया मगर इज्जत गंवा दी। इस इंसिडेंट की याद 24 साल बाद 2005 में मैगरा ने एक बार फिर से ताजा कर दी। जब न्यूजीलैंड को आखिरी गेंद पर जीतने के लिए 24 रन की जरूरत थी तो मैगरा ने भी ग्रेग चैपल का आइडिया अपनाया और उसी अंदाज में अंडर आर्म बॉल डालना चाही, लेकिन अंपायर ने बरवक्त इन्हें रोक दिया। नंबर 3, भाई साहब क्रिकेट में भीमर एक ऐसी डिलीवरी होती है जिसे बाउंसर से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। 150 की रफ्तार से आती हुई गेंद बिना पिच हुए आंख झपकते ही बल्लेबाज के पास पहुंच जाती है, और इस इलीगल डिलीवरी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई बॉलर ब्रैटली करते थे। वो अक्सर बल्लेबाजों को अपनी तेज भीमर डिलीवरी से जख्मी कर दिया करते थे। जैसे ब्रैंडन मुकैलम, ट्रेस कॉथिक या फिर सचिन के खिलाफ इनका ये वाला भीमर तो देखे, इसका बदला किसी न किसी ने तो लेना ही था ना। तो इस बदले का जिम्मा उठाया वेस्ट इंडियन तेज बॉलर कैमर रोच ने, और ब्रैटली को सामने देखकर उसी अंदाज में एक बीमर भी जड़ दिया जैसे ब्रैटली अक्सर किया करते थे। बॉल सीधा ब्रैटली के बाजू पर लगा और वो काफी जख्मी भी हो गया। अब इसे कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। नंबर 2, भाई साहब फुटबॉलर्स की ये वाली सेलिब्रेशन देख रहे हो, इसे डब डांस सेलिब्रेशन भी बोलते हैं और फुटबॉल में ये बहुत आम है, बोले तो लोग पागल हैं इसे देखने को। और क्रिकेट में, जी हाँ क्रिकेट में भी कुछ क्रिकेटर्स इसी अंदाज में सेलिब्रेट कर चुके हैं। जैसे केएल राहुल की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो फेमस 53 बॉल सेंचुरी, तब उन्होंने भी बड़े ही जोश में डब स्टाइल सेलिब्रेशन किया था और साथ में सैल्यूट भी मारा था। या फिर ये बंदा कार्लोस ब्रैथवेट, जो अक्सर अजीबो गरीब सेलिब्रेशन करता हुआ नजर आता है, वो भी डब स्टाइल सेलिब्रेशन अक्सर करता है। लेकिन रुको, जरा सबर तो करो, क्योंकि हमारे इंग्लिश लेजेंड उमर अकमल ने भी एक बार ये कोशिश की थी। जैसे ये करके दिखा सकते हो आप, कैसा लगा। नंबर 1, दोस्तों कुछ बल्लेबाज अपने कैरियर की बेहतरीन इनिंग खेलकर कुछ इस अंदाज में सेलिब्रेट कर जाते हैं ना कि इनका वो अंदाज आइकॉनिक बन जाता है। जैसे धोनी ने 2005 में श्रीलंका के खिलाफ पहली बार वन डाउन पोजीशन में मैदान में कदम रखा था और मैच विन होने तक उनके कदम कोई भी श्रीलंकन बॉलर उखाड़ नहीं पाया था। धोनी ने 83 नॉट आउट की इनिंग खेली थी और सेंचुरी बनाकर कुछ इस अंदाज में गन स्टाइल सेलिब्रेशन की थी। धोनी का ये स्टाइल 2021 के CPL में भी नजर आया था, जब श्रीलंकन बल्लेबाज परसाना ने एक जबरदस्त 50 मारी थी और फिर धोनी की तरह ही बल्ले से गन स्टाइल सेलिब्रेशन की थी। वैसे धोनी का ये आइकॉनिक स्टाइल 2021 के T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर देखने को मिला था, जब आसफ अली ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक ही ओवर में 4 छक्के जड़कर मैच जीता था और इसी गन स्टाइल अंदाज में सेलिब्रेट किया था। तो दोस्तों, आप किस आइकॉनिक स्टाइल में अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।